दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द करेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य उत्सव की बधाई देकर कहा, जो सपना मध्य प्रदेश के समय कांग्रेस सरकार ने देखा था वो छत्तीसगढ़ में राज्य बनाकर पूरा कर दिया है। राज्य का स्थापना दिवस है, 18 साल हो गए और आज के दिन उन महापुरुषों को याद करने का दिन है जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, जिसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, शहदीलाल बैरिस्टर, मिनी माता, पवन दीवान सहित उस तमाम नेता, चाहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हो, चाहे कामरेड सुधीर मुखर्जी जी हों, उन सभी को हम स्मरण करते हैं। साथ ही उन विधायकों को जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहकर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का प्रस्ताव किया, उन सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बता दें कि कांग्रेस के बड़े लीडरों ने अभी भी अपनी बची हुई सीटों को लेकर सस्पेंस रखा है, वो आज पूरा हो जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 90 विधानसभा से सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि दिल्ली के हाईकमान के मुताबिक आज दिन भर में कभी भी कांग्रेस अपनी अंतिम सूची जारी कर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आज कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस बची हुई सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। ये तो लास्ट डे है, लिस्ट कब तक आ जाएगी, एक लिस्ट बची हुई है कांग्रेस के अंदर से? मैं समझता हूँ जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। आज रेणु जोगी को टिकट दे रहे हैं, अभी लिस्ट आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा किसे मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है। स्टार प्रचारक कम आ रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के लगातार दौरे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या लग रहा है? अब निश्चित रूप से सब शुरू हो जाएगा, हमारे स्टार प्रचारक आएंगे और सभी प्रदेश के जो प्रथम इसमें फेस में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ सब जगह जाएंगे, सेकंड फेस में भी जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।